हेलो एवरीवन, दिस इज सारंग गुप्ता, योर साइंस एंड मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सर्कल की थ्योरम 10.7, राइट? सो इस सीरीज में हम सर्कल की थ्योरम सीख रहे हैं। इससे पहले वाली थ्योरम्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। तो देखते हैं, इस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम 10.7, कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इससे पहले वाली जो थ्योरम थी उसकी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इक्विडिस्टेंट का मतलब। देख लेते हैं एक और बार इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है। यहाँ पर कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है, लेट सपोज उसका सेंटर ओ है, और इस सेंटर से मैंने दो कोर्ड्स पर एक लाइन बनाई है जो कि इक्विडिस्टेंट है। ये दोनों कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं। लेट सपोज ए और बी, सी एंड डी, ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से, सेंटर से, इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, और जो हम किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो डिस्टेंस लेते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर, right? So let me make a perpendicular here as this and one perpendicular as this, right? So यहाँ पर मैंने एक perpendicular बनाया है जिसका नाम है OM, एक perpendicular यहाँ पर बनाया है जिसका नाम है ON. Let OM is perpendicular on AB and ON perpendicular on CD, right? So आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आपने बनाए हैं, इसका मतलब है, OM का मतलब है डिस्टेंस ऑफ कोर्ड AB फ्रॉम सेंटर O, ON का मतलब है डिस्टेंस ऑफ कोर्ड CD फ्रॉम सेंटर O, राइट? सो मुझे इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल दिया गया है, कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये इक्वल है। डेट मीन्स मेरे पास OM ON के इक्वल गिवन है, राइट? सो मैं इसको यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, गिवन OM इक्वल्स टू ON, ओके? व्हाट आई हैव टू प्रूव इज, मुझे ये प्रूव करना है कि अगर ऐसा है कि ये दोनों कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं सेंटर से, सो मुझे प्रूव करना है कि कोर्ड्स इक्वल होंगी, AB CD के इक्वल होगा। सो आई होप थ्योरम समझ आ रही होगी आपको। कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर आप कोर्ड बना रहे हैं जो कि सेंटर से इक्विडिस्टेंट रखती हैं, तो ये बात श्योर है कि उनकी लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। सो इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे करना है। सेम ये पिछली वाली थ्योरम का कन्वर्स है। तो जैसे पिछली वाली थ्योरम में हमने लाइंस को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाया था, वैसे ही दोबारा से करने वाले हैं। ए से ओ को ज्वाइन किया, सी से भी ओ को ज्वाइन किया। सो हेयर आई एम ज्वाइनिंग ए टू ओ एंड सी टू ओ, बोथ आर रेडियस, ए ओ एंड सी ओ आर रेडियस, सो ये दोनों इक्वल भी होंगे। चलो देखते हैं, मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल ए ओ एम दिख रहा है मुझे और ट्राइंगल सी ओ एम, राइट? दैट मीन्स ए ओ तो ओ सी के इक्वल है ही है। वाई? ये है ही है क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। किसी भी सर्कल की सारी रेडियस आपस में इक्वल होती है, राइट? ऑल्सो ये एंगल और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमें पता है कि परपेंडिकुलर है ये दोनों। सो एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल सी एन ओ, बोथ आर 90 डिग्री। बिकॉज रीजन इज OM perpendicular है AB पर and ON perpendicular है CD पर, right? ये जो साइन होता है ये perpendicular का साइन होता है। अब दो चीजें आ गई हैं, एक और चीज मेरे को चाहिए, वो ये है कि OM ON के इक्वल गिवन है क्योंकि कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, सो OM इक्वल्स टू ON। इस पे आप चाहे यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ओके? इस स्टेटमेंट से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हमने ओएम को
ओएन के इक्वल क्यों पुट किया है। अब मेरे पास तीन चीजें हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। एक साइड है, दूसरी साइड है और एक एंगल है। क्या उन साइड्स के बीच का एंगल हमने लिया है? हमने तो 90 डिग्री वाला एंगल लिया है और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस और एक साइड ली है। तो इनमें जो कॉन्ग्रेंसी लग रही है, ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ एन, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं बाय कौन सी कॉन्ग्रेंसी? आर एच एस कॉन्ग्रेंसी, बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी, राइट। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बच्चों, तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, ए एम इक्वल्स टू सी एन। ए एम वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? सी एन के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, राइट। अब देखो यहाँ तक तो आ गया मेरे पास ए एम सी एन के इक्वल आ गया, लेकिन मुझे ए एम सी एन के इक्वल नहीं सी एन, मुझे तो क्या शो करना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो ये कैसे करेंगे, इसको ध्यान देंगे सुबह। ए एम सी एन के इक्वल आ चुका है, तो क्या इनका डबल भी इक्वल होगा? हाँ बिल्कुल, अगर मैं दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी तो आपस में इक्वल आएंगे। अब ए एम का डबल देखो ध्यान से, ए एम ये है, ए एम का डबल करूंगा तो पूरा क्या बन जाएगा, ए बी। ए बी क्यों बन रहा है? क्योंकि एम जो है वो इस केस में मिड पॉइंट है। ऐसा क्यों? आपने परपेंडिकुलर अगर सेंटर से डाला है तो वो कोण को बाइसेक्ट करता है, तो ए एम और एम बी इक्वल होंगे। तो मैं ट्वाइस ऑफ ए एम को क्या लिख सकता हूँ, ए बी। ट्वाइस ऑफ ए एम को ए बी इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट करता है कोण को। ये कोण बाइसेक्ट हो रही थी, दो इक्वल पार्ट्स में टूट रही थी, इसलिए डबल ऑफ ए एम को मैंने क्या लिखा है, ए बी लिखा। अगर बाइसेक्ट नहीं हो रही होती तो मैं डबल ऑफ ए एम को ए बी नहीं लिख पाता, राइट। इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी लोग। सो ट्वाइस ऑफ ए एम को मैं ए बी इसलिए लिख पाया हूँ क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रहा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट थी कोण, ओके। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ सी एन, इसके ऊपर सेंटर, वो भी बाइसेक्ट करेगा उसको। सो सी एन और एन डी इक्वल है, तो सी एन के डबल को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, सी डी। राइट, तो मुझे इसका रीजन देना पड़ेगा। अगर मैंने ये चीज लिखी हुई है एंडिंग सेट्स दी कोण, कोण, ओके। सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, सो इक्विडिस्टेंट फोर जो थी सेंटर से वो इक्वल इन लेंथ हो गई है। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।